तो पाकिस्तान का ही विलेज है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और ये भी एक विलेज है उंदर, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। पाकिस्तान जा रहे हैं ये हम, अब हम पाकिस्तान वालों से मिलेंगे जाके। ये जो गांव है, ये जो एरिया लगना शुरू हुआ था, ये पाकिस्तान के अंदर लगना शुरू हुआ था। सारे बनकर है, पता है कोई है या नहीं है, कोई है, कोई है यहाँ पे? तो ये वही जगह यार जहाँ पे शायद ये लोग रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे फाइट होती थी, बम गिरते थे, तो ये थोड़ा सेफ्टी रहती थी। अच्छा, ये भी गांव पाकिस्तान के अंदर था क्या? जी जी जी। तो अभी आप मतलब कहने मतलब आप आधे पाकिस्तानी हो? जी जी। अच्छा, घूमने के लिए? किनको? आप लोगों को? वो तो कह रही लड़कियों को ले जाओ घुमा लो। वाह जी वाह, इतना एडवांस। मुहर्रम इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ, हम पाकिस्तान के अंदर ही खड़े हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। और इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे? मैं हूँ इस वक्त नुब्रा वैली हुंदर विलेज में। बहुत ही खूबसूरत ये मेरी जगह थी जहाँ मैं स्टे कर रखा था, आप देख रहे हो जैसे कि। तो फिलहाल हम करने वाले हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। यहाँ से एक विलेज पड़ता है यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास, तुरतुक विलेज, जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो विलेज एक टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर था, अगर कहा जाए तो पाकिस्तान का ही विलेज है, जो कि 1971 के बाद हमारे इंडिया में आ चुका है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, और कुछ जगह यहाँ की रह गई हैं, वो वापसी आगे कवर करेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके वापसी वहीं यहीं आना पड़ेगा और यहीं से आगे निकल के जाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी अपनी अच्छी थी, इसका नाम बहुत अजीब सा है, नाम क्या था इसका? धनंची। धनंची, इस तरह से इनका ये कॉटेजेस वगैरह भी हैं, फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हो ना, तो यहाँ पे इन कॉटेजेस में स्टे कर सकते हो, और ऊपर नज़ारे देख रहे हो, क्या ही जबरदस्त है। फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट और फटाफट निकलते हैं अपने सफर पे। तो भैया आ गया अपना ब्रेकफास्ट, बटर टोस्ट और मिल्क कॉफी। तो चलिए भाई, निकलने का टाइम हो चुका है। जैसे बाइक ली है भाई, जिनका मैंने नंबर दिया है, अगर आपको किसी तरह की कोई भी बुकिंग करनी हो लद्दाख से रिलेटेड, इवन बाइक, ट्रैक, कुछ भी होटल चाहिए, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये प्रॉपर्टी थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे। ओके जी, जय जय हो, जय जय हो। हम अंदर अंदर चल रहे हैं, थोड़ा सा व्यू दिखाते हो, लेके चलूँगा आपको फिलहाल। पर धूप बहुत गंदी निकलती है यहाँ पे, धूप का मसला ना हो ना तो मज़ा आ जाए यार। और ये भी एक विलेज है उंदर, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आगे का जो सफ़र है वो कराते हैं यार। और ये देखो यार, क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। हम डलवाएंगे पेट्रोल और जाएंगे हमने वापसी उसी तरफ ही है। और लद्दाख को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कारगिल का पार्ट है जो कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, और एक ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपकी बुद्धिज़्म की। मुझे लग रहा है कि मेरा बैग एक तरफ ही है यार, देखो लग रहा है ना, लग कह रहा है सैंडम। शाम को यहाँ सही भीड़ हो जाती है यार, बढ़िया मौसम हो जाता है यार, फर्स्ट क्लास। अंदर प्यारी प्यारी सी रिवर बहती है, यहाँ पर लोग काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हैं, और आगे बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग वगैरह। आराम से चला ले भाई, उड़ता हुआ आ रहा है। ये देखो यार, लोग इसमें पैर डाल के बैठे हुए थे कल, बड़ा ही प्यारा व्यू है यार, मज़ेदार। लोग यार कैंपिंग भी करते हैं यार। ये देखो यार, क्या ही खूबसूरत है। यहाँ पे ऊँट मिलते हैं, वो ऊँट जिनके दो कुब निकले होते हैं। ये देखो कैंपिंग हो रही है, ये होती है बात। बढ़िया है यार, फोटोशूट हो रहा है यार, बढ़िया तरीके से लगा रखा है। तो भाई मैं तो यहाँ रुका था बाइक चेक करने के लिए, और सारे मेरे कहते पंजाब तो आए हो, कितनी गड्डियां ले आके आए हो? छह गड्डियां। चलो जी, यहाँ की गायें भी छोटी छोटी सी होती हैं, ऊँट भी अजीबो गरीब है, घोड़े भी छोटे छोटे होते हैं। झूले झूले, देखो घर ऐसे बनता है। फटाफट पेट्रोल डलवाते और निकलते हैं यार। यार निकल चले पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान जा रहे हैं ये हम, अब हम पाकिस्तान वालों से मिलेंगे जाके। हकीकत में पाकिस्तान जा रहे हैं भाई, झूठ नहीं, मजाक नहीं। तो देखो वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान वालों से, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं अफगानिस्तान भी गया था, वहाँ भी बड़े सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान बुरे हैं, ये है वो है, और बहुत सारे लोग मेरी पाकिस्तान की वीडियोज़ देखते भी हैं, पाकिस्तान के लोग। तो देखो ऐसा, लोग हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, लोग बुरे नहीं होते। बुरे कौन होते हैं? सरकारें, सिस्टम, सिस्टम ये बुरा होता है, जो इन सब चीज़ों का गलत उपयोग करता है अपने फायदे के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं। नहीं देखे ब्लॉग जाकर चेकआउट करो यार, फटाफट जाके अफगानिस्तान के, और देखे हैं तो कमेंट करके बताना। बाकी सब बढ़िया है, निकल चले इतनी खूबसूरत वादियों को क्रॉस करते हुए, क्या ही ज़बरदस्त व्यू है यार। और यहाँ जितनी जो रिवर जा रही है ना, सबका पानी जाता है भैया पाकिस्तान में। यार एक जानवर होता है यहाँ पे, वो गिलहरी का तरह बड़ा बड़ा सा भाई, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, तो बहुत ही प्यारा सा होता है। मैंने बड़ी रीलें देखी हैं यार, वो दिखा नहीं मुझे अभी तक यार, शायद वो मुझे पैंगोंग की तरफ जाते हुए दिखेगा। मतलब इतने सारे इन्होंने बना रखे हैं स्तूपा। और ये देखो ब्रिज यार, अपनी जो इंदस रिवर है ना, मैं आपको कल भी बताया था,
क्या ही खूबसूरती है, नेचुरल नेचर है यहाँ पे यार। संगम रिवर अराउंड ले से 30-35 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ पे सिंध रिवर और यंस्कार का कॉम्बिनेशन बनता है और दोनों मिलके होती है आपकी इंदस रिवर बनती है। वो इंदस रिवर जो है वो पाकिस्तान जाती है। इंदस रिवर वही रिवर है, मैं आपको और बता दूँ कि जिसके नाम से हमारे हिंदुस्तान का नाम रखा गया था, इंदस यानी हिंदुस्तान। भाई साहब क्या ही व्यू है यार, 7 किलोमीटर रहता तोश यहाँ से। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Waterfall, क्या ही जगह, जन्नत होती ना जन्नत, ये जन्नत ही एक तरह से यार, आप देखो यार. And it's just begun as she puts her hand in mine. झूले. और क्या ही खूबसूरत नज़ारे यार। अभी पीछे मैंने हरे पहाड़ देखे, आपको अगर नजर आ रहे होंगे ना, ग्रीनरी तो हरी हरी है ही, पहाड़ भी हरे हैं यार। बस ये कि फटाफट पानी वानी पीते हैं और GoPro की बैटरी डाउन हो गई है, उसको भी लगाते हैं चार्जिंग पे, उसका निकलते हैं अपने सफर पे, चले पाकिस्तान। बहुत ही प्यारी जगह यार, रेस्टोरेंट बना हुआ है, स्तूपा बना हुआ है, ये जो वाइब्स है ना, झंडे जो उनके होते हैं तिब्बतियों के, बहुत ही प्यारे यार, बहुत अच्छी वाइब्स आती है, देख रहे हो। वाह खूबसूरती इसे कहते हैं यार, जन्नत, मज़ा आ गया। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे बंकर्स, क्योंकि ये जो एरिया है ना पूरा, जिस टाइम पे 1971 की फाइट चल रही थी, तो उस दौरान बहुत सारे लोग जो आर्मी वाले यहाँ रहते थे, जो आर्मी वाले काम करते थे, हाल फिलहाल तो यहाँ भी कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ सोल्जर, जैसी बात है, हमें पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त। मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो 1971 से पहले ये जो गांव है, ये जो एरिया लगना शुरू हुआ था, ये पाकिस्तान के अंदर लगना शुरू हुआ था। तो इस टाइम पे जो बंकर होते थे आर्मी वाले जहाँ रुकते थे, मेरे ख्याल से आपने वैसे बहुत सारे बंकर देखे होंगे, पर एक साथ इतने बंकर, शायद ये बंकर है या गांव है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों किसी को मालूम है तो बताना। सारे के सारे ऐसे पत्थर के घर बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे सामने पाकिस्तान पड़ता है, बमबारी होती थी ना, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी, देख रहे हो। एक तो एक आता होता तो बंकर होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, तो भैया ये गाँव ही है, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, पर ये देखो कैसे बना हुआ यार भाई, अंदर तो क्या ही बंदा जाएगा, देख रहे हो, डर ही लग रहा है। ऐसे कई सारे बने हुए हैं, कई सारे, कम से कम नहीं तो कम से कम 20-25 होंगे यहाँ पे। तो ये वही जगह यार जहाँ पे शायद ये लोग रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे फाइट होती थी, बम गिरते थे, तो ये थोड़ा सेफ्टी रहती थी। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करना अगर आपको किसी को पता है तो। और एक नहीं काफी सारे बनकर है, पता है कोई है या नहीं है, कोई है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये घर ही है यार, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये ऊंचा करके बनाया हुआ है, खाने वाने जगह बनाने की, और उससे शायद सोने सोने का होगा पूरा हिसाब। तब थोड़ा मेरे ना सांप छिपकलियों से डर लगता है, वैसे तो कह रहे थे पहाड़ों पर ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी यार डर लगता है कहीं से कुछ निकल ना आए, तो इसलिए मैं अंदर जा नहीं रहा। छत बड़ी डरावनी सी लग रही है। हाँ ये कि यहाँ पे हर जगह लद्दाख में ना ऐसे बैम्बोस, इससे छत बनती थी। ये घर ही है भाई, घर है, पक्का हो गया, ये घर है उस टाइम पे। पर अब लोग यहाँ पे मतलब सेफली उन्होंने घर कहीं आसपास कहीं शिफ्ट कर लिए हैं, देखो कितने सारे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, पर बंदा कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। चलो अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे जैसे हम पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। और ये जो नदी है, बता चुका हूँ, ये तो जा ही रही है पाकिस्तान की तरफ, और आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान के तरफ के गांव और लोग और उनका क्या कहना है भाई। और सुनने में आया एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे भाई लोग जब लड़ाई हुई थी तो इंडियन आर्मी से डर के पहले ही भाग गए थे। आपको मालूम है एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे फॉरनर्स, मतलब बाहर से फॉरनर्स यहाँ आती हैं प्रेग्नेंट होने, यहाँ के लोकल लोगों से प्रेग्नेंट होने, फॉरेन से, यूरोप से लोग आते हैं, खासकर लेडीज़, मतलब लेडीज़ ही आती है, जैसे बात आदमी तो आएंगे नहीं। ऐसे ऐसे गांव भी है भाई, वो गांव कहाँ है मैं आपको बताऊंगा, मैं भी शायद हो सका तो आपको दिखाऊंगा। झूले झूले एक चीज़ बताओ, ये घर है या बंकर है, मैं अगर शायद कुछ पता हो तुम लोगों को। ठंडा है अंदर, ठंडा बढ़िया, देख सकता हूँ। ये देखो जी, मैंने कह रहा था घर ही है भाई, ये देख लो यार, सारे लोग ऐसे रहते थे पहले,
और यहाँ भाई लोग काम कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं। मैं कह रहा था घर की तरह ही है, घर ही है, बंकर नहीं है, घर ही है। शुक्रिया भाई। और सामने आर्मी वालों का ट्रक आ रहा है। ओह हो यार क्या ही खूबसूरत है वरिष एंड कलकुंगा, पता नहीं कौन सी जगह है, चंगमार विलेज है ये। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, ये जो बाइक है ना, इस बाइक को सलमान खान ने चला रखा है ट्यूबलाइट फिल्म में। एटीट्यूड ऑफ 9750। एक खूबसूरत सा विलेज है, रिवर के पास है, बन रहा है, लोग भी रह रहे हैं। क्या नाम है इस गांव का झूले झूले? हाँ जी, बोगदान। बोगदान, बोगदान। जी जी जी। कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे? यहाँ पे 3000। 3000 लोग हैं, बहुत है यार 3000। तो इतनी तो हुंदर में नहीं है 3000। सबसे ये गाँव और तुर्सुक गाँव बड़ा है नुबरा इलाके में। अच्छा जी, अच्छा ये भी गाँव पाकिस्तान के अंडर था क्या? जी जी जी। ये भी गाँव था? जी जी जी। मतलब यहाँ भी पाकिस्तान के वो हैं लोग? अभी नहीं है। अब नहीं, मेरी बात 71 से पहले ये गांव भी पाकिस्तान के ना? तो मतलब कहाँ से घेरा था इंडिया ने, मतलब पूरा ये ने पहले इधर से कहीं आधे तक लिया। हाँ? फिर ये चुलुंग हो गया, तुर्तुक हो गया, वो उसको फिर और एक। कितने गांव घेरे थे यहाँ से? अभी थांग, प्याक्सी, तुर्तुक, चुलुंग, बोगदान, पांच गाँव। कहते तो 3 गाँव है, ये भी पाकिस्तान मतलब वो थे। तो अभी आप मतलब कहने मतलब आप आधे पाकिस्तानी हो? जी जी। मतलब अभी तो उम्र कम है, 71 की बात है। अभी वो बूढ़ा लोग बात करते नहीं, ऐसा होता था वैसा हुआ था, फिर हम लोग किया, फिर हम लोग ने मदद किया, ये किया वो किया, फिर हमारा मतलब बहुत सारे बूढ़ा लोग कहता था। पर एक चीज बताओ, मुझे तो मालूम नहीं, वैसे अभी खुश हो? बिल्कुल खुश है जी यहाँ पे, क्योंकि अभी पहले क्या हुआ है, तुर्तुक बोल के सब वहाँ चला गया। हाँ हाँ। अभी ये बिल्कुल उसमें शायद मैप में भी नहीं है ये बोगदान, जो नाम ही नहीं मुझे। सब कह रहे हैं कि 3 गांव है जिसमें से एक तुर्तुक है, अभी आप बता रहे हो कि ये भी पाकिस्तान के पास था ये पहले? 71 से पहले भी पाकिस्तान का था, अभी 3-4 लड़ाई हुआ था ना जनाब। हाँ हाँ। आगे फिर ये लेते 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 चला गया। सारी कम्युनिटी यहाँ मुस्लिम ही है? बिल्कुल, इसे आगे मुंडे बौद्ध तो नहीं मानते, कुछ नहीं है, मुस्लिम। यहाँ जो ब्रिज आपने एक पार किया, हाँ हाँ, वहाँ से मोमडन शुरू है, सारे मोमडन ही है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा 3000 लोग रहते हैं सब, मतलब नुबरा इलाके में। हाँ हाँ। ये बोगदान और तुर्तुक सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी रखे हुए हैं? होम स्टे अभी कुछ नहीं, अभी मतलब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। झूले झूले टॉफी खाओ भाई, झूले झूले टॉफी खाओ। स्कूल से आयो? यहाँ स्कूल भी है? स्कूल तो सबसे ज्यादा यहाँ पे। कितने स्कूल है यहाँ? 7 स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी आप थोड़ा 4 बजे यहाँ घूमो, 4 बजे झूले झूले टॉफी खाओ, यहाँ से चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इतना बच्चा है आप, ये एक ही स्कूल का आर्मी गुडविल स्कूल है, इससे आगे थोड़ा आपको 4 बजे पता चलेगा इधर कितना लोग रहता है। मतलब होम स्टे वगैरह नहीं बने हुए लोगों के? अभी बनाए नहीं, अभी सिर्फ वहाँ से बोलते गया, बस तुर 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 निकल गया। यहाँ से तुर्तुक कितना रह जाता है वैसे? अभी यहाँ से 25 किलोमीटर है। बोगदान गांव है, ये भी पाकिस्तान के अंडर था। तो भाई लोगों को बताया गया 5 गांव है जिसमें से ये गांव भी है, 71 की फाइट के दौरान लिया गया है। तो आप लोग तो सब मतलब यहीं के हो, हिंदुस्तान के ही हो गए, ठीक है? जो पहले के लोग थे वो पाकिस्तान के, उनके हिसाब से ये अच्छा है या वो अच्छा था? यही अच्छा था सर, तभी तो बैठा है, नहीं तो सब भाग गए, हम क्यों बैठा है। अच्छा, एक गाँव ऐसा भी है जो आर्मी की लड़ाई के दौरान भाग गए थे सारे के सारे, ऐसा भी कोई गाँव था? कौन सा गाँव था वो? कौन सा? तुर्तुक। वो भाग गए वहाँ के लोग, वहाँ से चले गए? मतलब एक डर सा पैदा हो गया ना, ये आ रहा है। हाँ, मतलब मार मूर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमारा गांव ही था सर, इंडिया को सपोर्ट करने वाला। अच्छा, हम लोग सपोर्ट करते करते लेके चला गया। क्या बात है जी। अभी हमारा एक बूढ़ा से मिलेगा, फिर अभी वो बताएगा सभी कहानी। कहाँ पे आपका बूढ़ा वो? बिल्कुल ऊपर है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, उसको हर गांव का ये पता होना चाहिए, देख के जाना चाहिए, देख के जाना चाहिए। झूले झूले आपसे झूले बोलते हो या कुछ और बोलते हो? हमारा सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम बोलते हैं। वालेकुम सलाम। चैनल का नाम है ट्रैवलर जतिन। फिलहाल हम चलते हैं, वापसी में मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा लगा, और ये बात मुझे नहीं पता चली अभी तक, लोगों को भी नहीं पता होगी कि यहाँ पे ये गाँव पाकिस्तान के अंडर आता था। देखो जी, पूरा गाँव ये पाकिस्तान था पहले। अभी कोई बुजुर्ग मिलेगा तो वो आपको एक्चुअल में बताएगा कि यहाँ पे क्या स्टोरी हुई थी। ये तो जवान ही है, झूले झूले
आपकी उम्र कितनी है? आप हिंदुस्तान के टाइम से हो या पाकिस्तान के टाइम से हो? हिंदुस्तान। पाकिस्तान के टाइम से हो? हिंदुस्तान के टाइम से हो। हंस रहे हो, क्या हो गया? कैमरा लगा हुआ, तभी तो पूछ रहा हूँ। झूले झूले टॉफी खाएगा? झूले और टॉफी खाओ। तो यहाँ पे कौन मिलेगा बुजुर्ग जो बताएगा पाकिस्तान के टाइम का कौन है? कैमरा ऑन करो उसके बाद। तो उसके बाद बताओगे? दुनिया को पता चलना चाहिए ना। बुजुर्ग गांव में रहता है, यहाँ नीचे नहीं रहता है। बुजुर्ग ऊपर रहता है? बुजुर्ग ऊपर चढ़ के जाता है? नहीं, वहां गाड़ी जाता है। अच्छा, गाड़ी जाता है। वो कोई और गाँव है? मतलब कुछ लोग ऊपर चले गए। अच्छा, तो आपका अपना घर, खेती बाड़ी करते हैं आप? इस पे कहाँ वाइफ आएगी? अगली बार लेके आऊंगा दीदी को पक्का, और आपके गांव में रुकने का इंतजाम करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते हो? क्या भूल गए? उड़ा के ले जाओ। किसको किसको उड़ा के ले जाओ? उड़ा के ले जाओ मतलब? अच्छा, घूमने के लिए। किनको? आप लोगों को कहाँ घूमना आते हो? इतना प्यारा गांव, आप घूमते ही होगे। मैं दिल्ली से आया हूँ। चलिए जी, सलाम, मिलते हैं फिर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो वही बहुत अच्छे लोग हैं। दादी सलाम। रुको रुको रुको, दादी डरो मत, डरो मत। दादी सलाम। दादी आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? अरे रुको तो सही, आप पाकिस्तान के टाइम पे हो ना? आप पाकिस्तान जब था ये, तब से हो ना यहाँ? उर्दू नहीं समझ आता? ओहो, दादी को तो उर्दू ही नहीं समझ आ रहा। ये दादी भी बहुत पुराने हैं। दादी सलाम। दादी, हिंदी आता है, उर्दू आता है? आप पाकिस्तान के टाइम के हो? बोल पाते हो? बोलते हो थोड़ा? नहीं नहीं बोल पाते। चलिए शुक्रिया। मैं कहा कोई बुज़ुर्ग मिलेगा तो अपनी कोई बात बूत बताएगा, पर बुज़ुर्ग कोई दिख नहीं रहा मुझे फिलहाल। वो तो कह रहे लड़कियों को ले जाओ घुमा लाओ। वाह जी वाह, इतना एडवांस। हेलो भैया, कैसे हो? कौन सी क्लास के हो? 12th क्लास के हो? एग्ज़ाम चल रहे हैं? स्कूल में अलाव ऐसे टोपी पहन गया ना उल्टा? स्कूल की टोपी है? स्कूल में टोपी भी लगी हुई है? बढ़िया जी, और सब बढ़िया। चलो जी, खेती बाड़ी भी होती है और है मुस्लिम, पर वो वाला सिस्टम नहीं है। लोग ओपन ही है, ओपन माइंडेड है। गोरखा राइडर्स 25। अंकल, ये पीने का पानी रहता है? आप कौन से गांव से हो? बस यहाँ से रह गए 11-12 किलोमीटर, और व्यू नज़ारे प्यारे प्यारे खूबसूरत। ये हम पाकिस्तान के उस जगह पे हैं जहाँ पे एक टाइम पहले ये पूरा पाकिस्तान था। हम पाकिस्तान के अंदर ही खड़े हैं, 71 से पहले वाले में। सो गाइस, ऑफिशियली हम तुरतुक के अंदर एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू तुरतुक। पर जो एक्चुअल गाँव है ना, वो गाड़ी लगा के ब्रिज क्रॉस करके हमें अंदर जाना पड़ता है। ये देखो जी, अरे भैया मेरा दर्द हो गया रे। आहा, सलाम जी। झूले बोलते हो सलाम बोलते हो आप? सलाम बोलते हैं ना। अच्छा, वो ब्रिज की तरह जो क्रॉस करके अंदर जाना होता है, और जो दूसरा थंग वो जो है वो भी उस साइड ही है? आपका घर ऊपर है? क्या कर रहे हो? ऊपर रोड नहीं है? अच्छा चलो जी, आगे चलते हैं। झूले झूले टॉफी खाओगे बेटा? नहीं खाओगे? अरे लो, इधर मुंह कर लिया, लो ले लो। बच्चे शर्माते भी हैं यहाँ पे। तुरतुक डिलाइट हाउस। मुहर्रम इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेररिज्म। वाव, फॉरनर्स फॉरनर्स भी खूब आ रखे हैं। बेकरी शॉप भी है यहाँ पे भाई, फॉरनर भी खूब है भाई। 1971 की वॉर से पहले अभी क्या है कि भैया ये हो चुका है इंडिया, पर ये लास्ट विलेज जो खास हैं, जैसे तुरतुक निकला, ताक्सी आ गया और धान कौन सा विलेज है, ऐसे कुछ नाम है। तो ये सारे विलेज जो है ना, ये पाकिस्तान के वो विलेज हैं जो ऑक्यूपाइड थे, पहले पाकिस्तान के पास थे, उसके बाद ये हमारे इंडिया के पास वापसी आ गए। ये ताक्सी विलेज है। एंट्री कहाँ से गाँव की? आगे से? यहीं से? आगे से। ठीक है जी। तो भैया कुछ खाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत गांव, जो कि है पाकिस्तान के गांव। यस, ये देखो जी, वेलकम टू बॉर्डर विलेज ताक्सी। रोक दूं एंट्री? अच्छा, यहाँ से थांग गांव कितना दूर रह जाता है?
7 किलोमीटर है, वहाँ भी रहने रहने का इंतजाम है, खाने पीने का भी है। चलो जी, तब तो हम पीछे छोड़ आए हैं और आगे है थांग गांव। तो जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बढ़िया, तो भैया हंसते रहो, मुस्काते रहो, प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको इन विलेजेस में एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे वो क्या सोचते हैं, और जो अगर कोई बुजुर्ग मिला तो भैया उसका एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं, और मुझे यहाँ पे आदमी वालों ने रोक लिया, यहाँ एंट्री करनी है, एंट्री करवा के हम निकलेंगे थांग गांव की तरफ, बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं अगली गाइस। I feel like I'm losing my mind.